विकासखंड वेवर क्षेत्र में आम रास्ते पर जलभराव होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव होने के कारण लोग किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें विकासखंड वेवर क्षेत्र के ग्राम बंजारिया गाँव से जुड़ी हैं। ग्रामीण पिछले कई साल से जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। कई बार ग्राम पंचायत के प्रधान उषा देवी, पत्नी राम अवतार प्रधान से शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में ना तो पानी की निकासी की उचित व्यवस्था है और ना ही साफ सफाई है। इससे गांव में संक्रामक रोग फैलने की आशंका बनी रहती है। वेवर थाना क्षेत्र के ग्राम बंजारिया गांव में नाला निर्माण नहीं हुआ है, जिससे जगह जगह पानी का जमावड़ा हो गया है। रास्ते में पानी भरे होने से लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। गांव निवासी नितिन चौहान का कहना है कि गांव में नाला निर्माण ना होना पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। इस वजह से कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे कि यहां से कोई मोटरसाइकिल निकलती है तो कई बार फिसल कर गिर जाते हैं। इन सब समस्याओं के साथ कई बार लोगों ने मांग की है और शिकायती पत्र भी दिया है, परंतु कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। गाँव के बाहर स्कूल है, जहाँ पर पानी भरा होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? बंजरिया। बंजरिया, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि हमारे गांव में आज से 15-20 साल से पहले ये रोज की समस्या है, और एक साल नहीं हर साल की ये समस्या है कि पानी भर जाता है। और पानी किस जरिए से भरता है? क्योंकि ये नहर बंबा का पानी आ जाता है। जब पानी का निकासी नहीं होगी तो ये पानी ख़त्म कैसे होगा? और निकासी के लिए चाहिए नाला। नाला है लेकिन उसकी सुविधा नहीं है, नाले की जो होनी चाहिए, पुलिया की या उसकी निकासी पानी की होनी चाहिए, जो पक्का नाला हो जाए या वैसी पुलिया बन जाए। जब पानी की निकासी होगी तो समस्या पानी की भराव होगा ही नहीं, और जब भराव नहीं होगा तो अपने आप रास्ता अपने आप बनेगा, अपने आप सब काम चलेगा। और फिर समस्या ये है कि प्रधान अभी तक कभी भी देखने नहीं आया कि यहाँ की समस्या इतना हो गया, नाला का करवाए। पहले जब निकासी करवाओगे पानी की तभी तो काम होगा, किसी विकास होगा गांव का। और जब पानी की निकासी नहीं होगी तो विकास कहाँ से गांव का होगा? और फिर ये जो सड़क है स्कूल तक, लो आपने देखा होगा योगी जी ने एक निकाली थी योजना कि पक्की सड़क स्कूल तक, लो सारी सरकारी स्कूल तक लो होनी चाहिए। तो ये बताइए आपने कि 15-20 साल हो गए इस स्कूल की सड़क नहीं बनवा चाहिए? किसी ने कुछ सुना है इसकी सड़क के लिए? प्रधान राम अवतार है, कहाँ की है? ये परौखा गांव। उच्च अधिकारी करे, रोज आते हैं अधिकारी और देख के चले जाते हैं ऐसे कि हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम का आश्वासन दे के चले जाते हैं, लेकिन काम नहीं हो भाई। उनका लिखित में दी है, रोजीना 10 क्षेत्र कॉल भी करते हैं, उस पे देते हैं, रोजीना डरते हैं, रोज आते हैं अधिकारी बस देख के चले जाते हैं, क्योंकि उनका तो यही काम है कि अगर आएंगे नहीं तो उनकी नौकरी पा जाएगा, देख के चले जाएंगे बस। अब ये नहीं कह के जाते कब होगा कब नहीं होगा विकास। यहाँ क्या समस्या आ रही है आपकी? यहाँ रास्ते की है, स्कूल में बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पानी भरा हुआ है, इसकी वजह से मैडम तो आती हैं लेकिन बच्चे यहाँ जब पानी भरा हुआ है तो कहाँ पढ़ाई होगी? आप बताओ, प्रधान के द्वारा कोई विकास कार्य नहीं करवाया गया है जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। 2009। क्या नाम है आपका? राजेंद्री देवी। कहाँ के रहने वाली हो? बंजरिया। यहाँ क्या समस्या आ रही है? पानी भरो है घन में और स्कूल में भरो है, बच्चे पढ़ने नहीं जाए पा रहे। अच्छा हाँ, और नाले की पुलिया आएगी, टूटी जाएगी सब। यहाँ कोई सड़क अड़क नहीं है? नहीं है कोई सड़क नहीं है, कोई सड़क नहीं। आपने यहाँ प्रधान से बोला था क्या? बोला था। क्या आश्वासन दिया प्रधान ने? प्रधान आया ही नहीं, लाल बेटा यहाँ नहीं आए। प्रधान कौन है यहाँ का? लाल बेटा।